हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि हमने अपनी एसएससी की जो पहली वीडियो मैं आपके सामने लेके आया था, उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा बायोलॉजी क्या है, उनके फादर्स कौन हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, सेल की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो हम आज अपने उसी चैप्टर को, सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, हम पढ़ते हैं सेल के बारे में डिटेल में। और इसी से पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। हम सबसे पहली चीज आज क्या कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, साइटोलॉजी। एक वर्ड आपने काफी बार सुना होगा, साइटोलॉजी। तो ये साइटोलॉजी क्या होता है? तो साइटोलॉजी क्या होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोशिका अध्ययन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कोशिका अध्ययन। तो हिंदी में भी मैं आपको लिखवा देता हूं, कोशिका अध्ययन है क्या? देखिए, नाम से ही पता लग रहा है। साइटो मींस साइटोलॉजी, साइटो मींस होता है सेल, लॉजी मींस होता है स्टडी। तो स्टडी, स्टडी ऑफ ए सेल, सेल के बारे में अध्ययन करना, कोशिका के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है, कोशिका के बारे में अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब है स्टूडेंट, कोशिका के बारे में अध्ययन का मतलब है सेल के, स्टडी का मतलब है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सेल किन चीजों से मिलकर बनी हुई, सेल की संरचना क्या है, सेल के फंक्शन की, सेल कौन कौन से फंक्शन करती है, सेल के कार्य, कोशिका के कार्य क्या क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना, कैसे बनी, किन चीजों से बनी, कितने पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स आगे क्या क्या काम करते हैं, इन सभी चीजों को पढ़ना होता है साइटोलॉजी। इसकी मैं डेफिनेशन बड़ी भी लिखवा सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है। जनरली आपको यही देखने को मिलेगी और यही एग्जाम में आती है, स्टडी ऑफ सेल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोलॉजी? तो सेल के संरचना, फंक्शन, इनके बारे में पढ़ना क्या है, साइटोलॉजी। उसके बाद अब साइटोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल स्ट्रक्चर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। तो कोशिका संरचना का मतलब कि सेल किन किन चीजों से मिलकर बना, मतलब हम पढ़ रहे हैं सेल के पार्ट्स को। तो सेल स्ट्रक्चर का मतलब हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ ए सेल, जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली। हिंदी में हम इनको कहते हैं कोशिकांग, कोशिकांग। देखिए, कोशिकांग का मतलब क्या है, सेल के छोटे छोटे पार्ट। सेल बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनती है, सेल बहुत छोटे छोटे हिस्सों से मिलके बनती है। उन हिस्सों को, उन छोटे छोटे भागों को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनली, और हिंदी में हम कहते हैं कोशिकांग। तो देखिए, मैं एक सेल का डायग्राम ड्रा कर लेता हूं। ये है स्टूडेंट, हमने एक ड्रा कर दी है सेल। अब ये जो सेल है, ये है एनिमल सेल, ये है एनिमल सेल। और मैं इधर एक छोटी सी ड्रा कर रहा हूं, ये जो सेल है वो मैं एक आपके सामने ड्रा कर दी है मैंने, बस समझाने के लिए, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है जो वो अलग है। तो ये मैंने ड्रा कर दी है प्लांट सेल। अब प्लांट सेल का मतलब क्या होता है, पादप कोशिका। पादप कोशिका। एनिमल सेल का मतलब क्या है, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका। चलो मैं इस रेड पेन को रहने के देता हूँ, रेड मार्कर को, इससे भी अच्छा दिखाई दे रहा है और अलग अलग में लिख ही रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। तो देखिए, एनिमल सेल के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं, वो सबसे पहला, सबसे बाहर वाला पार्ट हम लिख लेते हैं, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर भरा होता है एक लिक्विड, इस तरह से पूरी सेल के अंदर भरा होता है एक लिक्विड। दिस लिक्विड, दिस लिक्विड, जो ये लिक्विड है,
और इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर ऐसे सेल के लगभग जनरली सेंटर में मिलता है, वैसे अलग अलग भी मिल सकता है। इसके अंदर एक स्फेरिकल गोलाकार एक चीज होती है, एक पार्ट होता है, और जिसके अंदर ऐसे धागे के जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके अंदर भी लिक्विड भरा होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है उसको हिंदी में हम कहते हैं जीव द्रव्य, सॉरी कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और जो अपना न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं केंद्रक, उसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर केंद्रक। और न्यूक्लियोप्लाज्म है इसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तो हमने जो मेन मेन पार्ट्स हैं सेल के वो ड्रा किए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पार्ट्स हैं। तो देखिए जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारे के सारे हैं सेल ऑर्गेनेल या फिर कोशिकांग, कोशिका के भाग हैं। इन सभी चीजों से मिलके कोशिका बनी है, इन सभी चीजों से मिलके कोशिका बनी है। तो देखिए अब मैं आपको इन सभी पार्ट्स के बारे में अच्छी से इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इनके क्या फंक्शन होते हैं कैसे, बट पैसे उससे पहले आप इनको बेसिकली समझ लें। देखिए सेल मेम्ब्रेन से लेके ये जो आउटर बाउंड्री है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से लेके ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये जो लिक्विड है, ये अब न्यूक्लियस को छोड़ दें, ये है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। और जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मेटल भरा हुआ है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो है स्टूडेंट न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों से मिलके देखिए साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों से मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों से मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जितनी सारी चीजें हैं, ये भी, इन दोनों को मिला के सारा जो सेल का मेटल उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और वो होता है जीव द्रव्य, उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट जीव द्रव्य। तो ये हैं सेल के पार्ट्स। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल ऑर्गेनली क्या है, हम सेल ऑर्गेनली किन को बोलते हैं। सेल के जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन्हीं को हमने बोला है सेल ऑर्गेनली, जिनको हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग। अब बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, मैंने मेन मेन लिखा, हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, एक एक का नाम लिखता जाऊंगा और उसके बारे में बताता जाऊंगा। तो देखिए अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, कुछ अलग होता है। प्लांट सेल के अंदर भी सारी चीज सेम होती है, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही होता है, ऐसे होता है न्यूक्लियस, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे न्यूक्लियस। अब ये देखिए सेल के अंदर एनिमल सेल में जो सबसे बाहर वाला अंग था, जो सेल ऑर्गेनली था, वो सेल मेम्ब्रेन था, लेकिन प्लांट सेल में उसके बाहर भी होता है ये होती है सेल वॉल, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, तो जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। तो प्लांट सेल का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है वो होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल में जंतु कोशिका के अंदर सबसे बाहर वाला जो भाग है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये न्यूक्लियस, अब इसके अंदर भी क्या भरा होगा, वैसे ही साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसके अंदर भी क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिलकर बना प्रोटोप्लाज्म। तो ये सारी चीजें जो है कॉमन है, बस एक को छोड़ के सेल है मेम्ब्रेन को छोड़ के। तो हम एक एक पार्ट को उठाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हम पार्ट उठा रहे हैं, एक जो मैंने ऊपर चीजें लिख रखी हैं यहाँ पे नोट कर लिए होंगे, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। तो ये साइटोलॉजी का मतलब क्या था, सेल की स्टडी। तो आज हम साइटोलॉजी ही कर रहे हैं, सेल की स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल ऑर्गेनली क्या है आपको पता लग गया, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स, इन्हीं को कहते हैं हम सेल ऑर्गेनली। तो अब देखते हैं हम आगे
सबसे पहला जो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म, देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या है, मैं आपको बता चुका। कोशिका के अंदर एक द्रव्य लिक्विड मटेरियल भरा होता है जो कंप्लीट साइटोप्लाज्म, साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक का द्रव्य और कोशिका का द्रव्य, इन दोनों को मिलने से बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कहा गया है जीव द्रव्य। तो मैंने लिख दिया था, मैं फिर से लिख रहा हूँ, जीव द्रव्य है क्या, आपको पता लग गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलने से बनता है अपना प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है प्रोटोप्लाज्म से, प्रोटोप्लाज्म से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी रियली डिस्कवर इसका कौन है, तो ये हैं फेलिक्स डुजार्डिन, फेलिक्स डुजार्डिन। उसके बाद अब ज्यादातर मिलता क्या है, पुरकेंजी, ज्यादातर जो डिस्कवरर है इसका कहा जाता है सारी बुक्स के अंदर लिखा होता है, तो वो होता है पुरकेंजी, पुरकेंजी। तो पहले दो क्वेश्चन से यही पूछ लेते हैं कि रियल डिस्कवरर कौन है, तो आप अगर पूछा जाए तो आप लगाओगे फेलिक्स डुजार्डिन, और अगर कोई पूछे कि डिस्कवरर जनरली कौन है तो पुरकेंजी। 1835 के अंदर इन्होंने बताया था और 1839 के अंदर फिर इन्होंने बताया था, तो ये था प्रोटोप्लाज्म। अब एक और यहां से पूछ लेते हैं आपसे, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, ये क्या है, ये बायो के स्टूडेंट का कंसेप्ट था, हम नहीं पढ़ेंगे इसको। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी मैक्स शूल्ज ने, मैक्स शूल्ज। तो इनको हिंदी में शायद लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, फेलिक्स डुजार्डिन, फेलिक्स डुजार्डिन, और ये हैं पुरकेंजी। देखिए मैं पहले बता रहा हूं, मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, मैं हिंदी में शब्द नहीं लिख रहा हूं, उनकी बस सेंस लिख रहा हूं, कि आपको वो पढ़ोगे तो पढ़ने से वो सेंस आएगी जो इंग्लिश में लिखा हुआ पुरकेंजी। अगर मिस्टेक है तो वो आप अपने खुद से भी लिख सकते हो, मैक्स मैक्स सूल्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्स सूल्स, तो तीन चार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो हम बताएंगे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके रियल डिस्कवर कौन है, तो आप बताओगे फेलिक्स डुजार्डिन। उसके बाद पूछेंगे डिस्कवर कौन है, तो बताओगे पुरकेंजी, ज्यादातर यही मिलेगा आपको। उसके बाद बोले प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी, तो बताओगे मैक्स शूल्ज़ ने। ये था पहला प्रोटोप्लाज्म, ये पार्ट साथ में ये पार्ट, इन दोनों को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज हम पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम मैंने ड्रा कर रखा था कि आपको दिखता भी रहे कि किस पार्ट को हम पढ़ा रहे हैं, तो प्रोटोप्लाज्म को हम इरेज कर रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म के बाद नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपको पता लग ही गया है, क्या कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति अलग है, कोशिका झिल्ली अलग है, तो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल जो जंतु कोशिका है उसका सबसे बाहर वाला जो भाग है, सबसे बाहर वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, जो पूछा जाना है वो क्या, कि सेल मेम्ब्रेन से पहला क्वेश्चन पूछा जाना है कि ये किससे मिलके बनी होती है, तो मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। अब लिपिड को लिपिड ही बोला जाता है और प्रोटीन को प्रोटीन ही बोला जाता है, तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर ये बनी होती है। प्रोटीन क्या है ये हम न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी वैसे आपने नाम सभी ने सुन रखा होगा। मेड अप ऑफ का मतलब बनी है या बनती है, हम लिख लेते हैं बनती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनती है, लिपिड और प्रोटीन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा कि ये कैसी होती है, ये लिविंग मटेरियल से बनी होती है, जो लिपिड प्लस प्रोटीन है
ये मेड अप ऑफ, यहीं पे हम लिख लेते हैं, अलग ही पॉइंट लिखते हैं, मेड अप ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल का मतलब होता है जीवित पदार्थ, कि इसको बनाने वाले जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं ये लिविंग मटेरियल है जिंदा, इनके अंदर मूवमेंट होती है। तो हमारे अंदर मूवमेंट है वो इनके अंदर मूवमेंट होती है। आई होप आपको लिविंग क्या होते हैं वो पता होगा। तो लिविंग मटेरियल से बनी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाता है कि इसका नेचर कैसा होता है। इसका नेचर होता है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, या इसको हम हाफ परमिएबल भी हम बोल देते हैं, सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल का मतलब होता है इसके अंदर से सारी चीजें पास नहीं हो सकती। देखिए, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसका काम है एक तो अंदर के कंटेंट को बांध के रखना, दूसरा अंदर से कोई बाहर जा रहा है या फिर बाहर से कोई अंदर आ रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना। तो अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर मान ले दो मेटेरियल थे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने तीन मेटेरियल को छोड़ा, ए बी और सी। ये ए भी आना चाहता था, बी भी और सी भी, लेकिन इसने सिर्फ अलो किया ए को, इसने सिर्फ अलो किया ए को, बी नहीं आ पाया, सी नहीं आ पाया। तो इसने सभी को रोका या फिर इसने कुछ सिलेक्टेड चीजों को रोका। तो इसने सिलेक्टेड चीजों को रोका, ए सिर्फ ए को आने दिया, बी और सी को रोक लिया। तो सारी की सारी चीजों को अंदर नहीं आने देती है, ये कुछ सिलेक्टेड चीजों को आने देती, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल की बजाय सिलेक्टिवली परमिएबल भी कह देते हैं हम, सिलेक्टिवली परमिएबल ही हम इसको कह देते हैं, कि सारी चीजों को नहीं आने देती है, कुछ चीजों को आने देती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये आप याद रखोगे कि सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है और कैसी होती है। तो सेमी परमिएबल, फुल परमिएबल नहीं होती, सारी चीजों को अंदर आने नहीं देती है। सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कुछ कुछ चीजों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। कुछ चीजों को अंदर या बाहर आने देती है, कुछ सिलेक्टेड चीजों को। तो इसलिए इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल। आई होप ये सिलेक्टिवली का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं हिंदी में इसका मैंने एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखा है तो भी आपको मैंने मतलब लिखवा दिया है कि मतलब क्या है सिलेक्टिवली परमिएबल का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा, किससे बनती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से। कैसा मटेरियल है वो, लिविंग मटेरियल है। अच्छा, काम क्या करती है, ट्रांसपोर्ट को अंदर, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करती है। दूसरा, सारे मटेरियल को बांध के रखती है। उसके बाद हम उठाते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अपना सेल वॉल। उसके बाद हम उठा लेते हैं सेल वॉल। तो देखिए, ये है सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब देखिए, जो सेल वॉल है या फिर सेल मेम्ब्रेन, इनके अंदर मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, बट वो सारी चीजें हैं नाइन्थ या फिर इलेवेंथ की बायोलॉजी के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, बस वो। तो ज्यादा मैं टॉपिक्स को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, जो जरूरी है आपके एग्जाम वही मैं बता रहा हूँ। तो सेल वॉल कोशिका भित्ति क्या है, देखिए डेफिनेशन क्या, प्लांट सेल के अंदर या फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, बाहर वाली जो बाउंड्री है, दिस इज सेल वॉल, दिस इज ए सेल वॉल, और ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल, अब पहली पॉइंट खास बात है, ये सिर्फ किसके अंदर होती है, ओनली प्रेजेंट इन ए प्लांट, ओनली प्रेजेंट इन ए प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी। तो फंगी के अंदर प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये इस तरह से सेल वॉल। अब जो ओनली प्रेजेंट का मतलब है,
मौजूद होती है या फिर पाई जाती है, मौजूद होती है किसके अंदर? प्लांट, पौधों के अंदर, और बैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया ही लिखते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, और फंगी, फंगी को हम लिखते हैं कवक, फंगी को हम लिखते हैं कवक। तो कवक के अंदर, पौधों के अंदर, बैक्टीरिया इनके अंदर पाई जाती है, एनिमल के अंदर नहीं होती। देखिए मैंने एनिमल नहीं लिखा, एनिमल के अंदर नहीं होती। तो उसके बाद बनी किसकी होती है? मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेल मेम्ब्रेन थी वो बनी थी लिविंग मटेरियल से, जिंदा चीजों से, बट जो सेल वॉल है वो बनती है नॉन लिविंग मटेरियल से, अजीवित पदार्थों से जो मिलके बनती है। मेड अप ऑफ का मतलब बनती है, नॉन लिविंग का मतलब अजीवित पदार्थ, जीवित पदार्थ से नहीं है। अब वो कौन से हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो प्लांट के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर ये बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज या हेमी सेलुलोज, आपने कई बुक में पढ़ लिया होगा, या एक वर्ड और आता होगा पेक्टिन, एक वर्ड और आता होगा पेक्टिन। तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, इन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है प्लांट की और बैक्टीरिया की। अब प्लांट क्या है, पौधे, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया है, ये अब दोबारा 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 हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लांट की, बैक्टीरिया की, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन। अब क्वेश्चन यहां से बनता है फंगी की, जो फंगी की, फंगी का मतलब कवक, कवक की जो बनी होती है, कवक की बनी होती है चिटिन से, ये बनी होती है जी चिटिन से। यहाँ ये बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कवक की कोशिका भित्ति है वो किससे मिलके बनती है, वो बनती है चिटिन से। प्लांट की, बैक्टीरिया किससे बनती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से। तो आप ये याद रखेंगे इस सेल वॉल के बारे में, बस सेल वॉल के बारे में इतना ही है। फंक्शन क्या करती है? सेल को शेप में रखती है, सेल की जो एक्चुअल में शेप है, जो आकृति है, जो साइज है, वो उसको उतना ही रखती है। पानी को सूखने से बचाती है, डेजिकेशन से बचाती है, जिसको हम डेजिकेशन बोलते हैं। सेल को स्ट्रेंथ देती है, कोशिका को, जो प्लांट सेल इतनी हार्ड होती हैं, उस हार्डनेस के अंदर, उस कठोरता के अंदर एक रोल है सेल वॉल का भी। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं, लेकिन फंक्शन नहीं, बस जो पूछे जाने वाली चीजें वो मैंने आपको लिखवाया है, जो बाकी मैं कुछ बता भी रहा हूँ, अगर आपको लिखने का ज्यादा मन करा तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये था सेल वॉल के बारे में। तो हमने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ ली है सेल वॉल, सेल वॉल। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमने पढ़ लिया था प्रोटोप्लाज्म, हमने एक प्रोटोप्लाज्म भी पढ़ लिया है। तो प्रोटोप्लाज्म को हमने पढ़ लिया है, सेल वॉल को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। देखिए नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य, सॉरी कोशिका द्रव्य। देखिए ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो मटेरियल है यही है अपना साइटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव्य। तो जो कोशिका द्रव्य है उससे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है कि ये कैसा मेटेरियल होता है, ज्यादातर इसके अंदर कैसे होते हैं? लिविंग मटेरियल। अब लिविंग मटेरियल है क्या है, हिंदी में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जीवित चीजें हैं, जीवित पदार्थ हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज, इसके अंदर 82-90% होता है वाटर, 82-90% होता है वाटर, और बीच में जो बच गया अदर मटेरियल, दूसरे पदार्थ। दूसरे पदार्थ का मतलब है प्रोटीन है, लिपिड है, उसके बाद दूसरे ऑर्गेनली हैं, जो दूसरे हम भाग और बनाएंगे सेल के पार्ट, हम और ड्रा करेंगे, वो सारे हैं इसी के अंदर। तो लेकिन ज्यादातर पार्ट क्या है, 80-90% है वो, तो पानी, वाटर का मतलब पानी होता है, सभी को पता है, लिख भी देता हूं मैं, सभी पीते हैं पानी। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बस दो ही चीजें। एक क्वेश्चन और यहां से पूछ लेते हैं कि सेल का ऐसा कौन सा, कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो दूसरे सारे कोशिकांग को अपने अंदर रखता है। तो देखिए एक डायग्राम के लिए मैं बताता हूं, जैसे मैंने बना दिया लाइसोसोम,
जैसे मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट, जैसे मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट, तो ये दूसरे सेल के पार्ट हैं, दूसरे सेल ऑर्गेनली हैं, एक दो तीन न्यूक्लियस। तो इन सारे अदर और सेल ऑर्गेनली को अपने अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनली रखता है, कौन सा कोशिकांग दूसरे कोशिकांग को अपने अंदर रखता है, तो वो कौन है? साइटोप्लाज्म। तो ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन कभी पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने लिखवा भी नहीं। ये बस एक क्वेश्चन अगर पूछ रहे तो आपको बता देना है। तो साइटोप्लाज्म तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली को, जो है लाइजोजोम। चलो हम लाइजोजोम को पढ़ लेते हैं, हमने लाइजोजोम ड्रा कर दिया। लाइजोजोम, लाइजोजोम तो देखिए लाइजोजोम क्या है, ये देखिए, ये है लाइजोजोम, लिख देता हूं लाइजोजोम, हिंदी में भी लाइजोजोम ही लिखा जाएगा, लाइजोजोम, लाइजोसोम, लाइजोसोम। तो एक थैले के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। ये क्या है? इसके अंदर एंजाइम्स, एंजाइम्स को हिंदी में एंजाइम कहा जाता है। तो एंजाइम्स भरे होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को कहते हैं हम लाइजोसोम। ये है डेफिनेशन। अब काम क्या, इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है वो है, तो देखिए इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था लाइजोजोम को सी डी डुए ने। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाना है, सी डी डू ने इसको डिस्कवर किया था लाइजोजोम को। तो पहली बात तो आपको ये लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। दूसरी बात, इसको बोला जाता है, इसके अंदर होते हैं कंटेन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, कंटेन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। देखिए कंटेन से मतलब रखता है, हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेंस का रखता है, किसको रखता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये सेल के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं और बाहर से आने वाली चीजें प्रेजेंट हैं, उन सभी को ये एंजाइम में डिग्रेड, तोड़ सकता है, उनको डिस्ट्रॉय, नष्ट कर सकता है। मतलब सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं पूरी की पूरी सेल को खत्म कर सकते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस से। तो लाइजोजोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसकी डिस्कवरी, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर, इसको कहा जाता है सुइसाइडल, सुइसाइडल बैग, इसको कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग, इसको कहा जाता है क्लीनिंग स्क्वेड, इसको कहा जाता है स्क्विंजर। तो अलग अलग नाम है इसके, लेकिन ज्यादातर आपको ये दो ही लिख भी देता हूं वैसे मैं, स्क्विंजर, स्क्विंजर ऑफ सेल, डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब सुसाइडल बैग को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। तो सेल की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे सुसाइडल बैग, पाचन थैली, पाचन थैली किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे डाइजेस्टिव बैग, स्क्विंजर, सफाई कामगर किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे लाइजोजोम को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस लाइजोजोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, सी डी डू ने डिस्कवर किया था, और सुसाइडल बैग है डाइजेस्टिव बैग। अब सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग क्यों कहते हैं? देखिए सेल के अंदर अगर कोई भी फूड आया, सेल के अंदर क्या आया? फूड। तो ये लाइजोजोम, ये जो लाइजोजोम है ये इस तरह से आएगा, ये आ गया लाइजोजोम, और देखिए क्या करेगा, ये अपने अंदर से अपनी इस मेम्ब्रेन को हटा लेगा, इसे कोशिका झिल्ली को, जो इसके पास है झिल्ली है उसको हटा लेगा, और ये एंजाइम ऐसे जाएंगे, ये एंजाइम इस तरह से जाएंगे और इस फूड के ऊपर आ जाएंगे, और इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे।
इसी को बोलते हैं फूड का डाइजेशन, इसी को बोलते हैं फूड का डाइजेशन। तो फूड का जो डाइजेशन है, सेल के अंदर कोई भी मटेरियल आया उसको तोड़ना है, तो वो काम किसने किया? लाइजोसोम ने, इसीलिए कहा गया डाइजेस्टिव बैग। अब बोलते हैं सुसाइडल बैग। अब देखिए, अब जब इसको फूड को डाइजेस्ट करना था, सेल को फूड का जो खाने को भोजन को डाइजेस्ट पचाना था, उसके अंदर किसने अपनी डेथ करवा ली? लाइजोसोम ने, लाइजोसोम ने अपनी डेथ करवा ली, लाइजोसोम ने खुद को मार दिया, इसीलिए सुसाइड कर ली, तो इसीलिए बोलते सुसाइडल बैग। जब सेल काम की नहीं रही, पूरी सेल को डिस्ट्रॉय करना है, तो सेल क्या कहती है? लाइजोसोम को कह देती है कि अपनी मेम्ब्रेन हटा दे। जैसे ये मेम्ब्रेन हटा देता है, तो इसके अंदर का जो एंजाइम है वो पूरी सेल को डिग्रेड कर देता है, पूरी सेल की डेथ कर देता है। तो ये भी रीजन है सुसाइडल बैग। तो लाइजोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल। तो आज हमने पढ़े हैं शायद 3 से 4 सेल के पार्ट। हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा सेल वॉल, हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म, हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, और हमने पढ़ा है लाइजोसोम, और हमने थोड़ा सा बहुत साइटोलॉजी क्या है इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखते हुए इतनी छोटी सी ही वीडियो हम बनाएंगे, चाहे पार्ट हमारे 3 से 4 ज़्यादा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट्स को मैं छोटा रखना चाहता हूँ, शायद आपको भी हेल्प होगी। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया है वो समझ आया होगा, और आपके लिए बड़ा ही अच्छा कंटेंट है, आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।